हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस सफर में आज की ये वीडियो में कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आज से पहले ना सुना होगा, ना कभी ऐसा कुछ पढ़ा होगा। क्या सर, ऐसा क्या पढ़ाने वाले हैं? हमारा तो दिल खुश हो गया जान के। अरे भैया, अगले ही 10 मिनट बाद आप कुछ ऐसा इंजॉय करेंगे कि यार इतने आसान होते हैं इन सवालों को करने का तरीका, जो वालिया के जुगाड़ की हेल्प से आप सीख रहे होंगे। आइए तो बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। और हाँ, लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था। सब बच्चों ने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों ने ट्राई नहीं किया, क्योंकि जिन जिन बच्चों का आंसर आया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। जो आंसर वहां पर आ रहा था वो करीबन जहां तक मैं बात करूं तो 0.91 वोल्ट वुड बी द राइट आंसर। 0.91 वोल्ट वुड बी द राइट आंसर, जो लेक्चर 3 में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। देखो बच्चों, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज के बारे में बात करने वाला हूं। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लास्ट वीडियो में थोड़ा सा दिखा दिया था। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें मेन फंडा क्या है इसके बारे में बात करता हूँ। यानी जो आज का टॉपिक है, दैट इज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट इज ECS लिख रहा हूँ। देखो यार, लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी, यहाँ पे वालिया का जुगाड़ भी बताया था कि यार जिसका जो पोटेंशियल ज्यादा उसकी वो टेंडेंसी ज्यादा। लास्ट वीडियो में वालिया के जुगाड़ के बारे में बात की थी, जिसका जो पोटेंशियल ज्यादा उसकी वो टेंडेंसी ज्यादा। सोच के देखना, आपको एक पॉइंट लिखाऊंगा, यहाँ पर एक पॉइंट लिखाऊंगा, काम की बात। इस काम की बात की हेल्प से आप हर सवाल कर पाएंगे। और ये वीडियो बच्चों बता रहा हूँ, एक सवाल प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ आप शानदार तरीके से कर लेंगे। शर्त एक है कि आप मेरी बातों को सुनेंगे। मैं फटाफट से यहाँ काम की बात लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना। काम की बात क्या है यार? काम की बात सिर्फ इतनी सी है, ग्रेटर द SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, और इस रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब तो होता है यार रिड्यूस होने की टेंडेंसी। मैंने क्या बोला? जिसका जो पोटेंशियल ज्यादा उसकी वो टेंडेंसी ज्यादा। यार किसी के लिए अपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, जिसका SRP वैल्यू ज्यादा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा। यार वो रिड्यूस होना चाहता है तो वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर दे, ऑक्सीडेशन अदर्स, और सेल्फ रिड्यूस, जो खुद का रिडक्शन कर ले, खुद रिड्यूस हो जाए। क्या अपनों को ये वाली बात पता है? रिड्यूसिंग एजेंट उन्हें बोलते हैं जो दूसरों का तो ऑक्सीडेशन कर दें और खुद का रिडक्शन कर ले। तो जिसका SRP वैल्यू ज्यादा है, सोच के देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्या सब बच्चों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी तो क्लियर है? सोच के देखना, हाँ या ना। यार रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। क्या आप लोगों ने ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लिया है? इसी के साथ मैं हल्का सा चेंज करना चाहूँ, देखो इसी स्टेटमेंट में चेंज करूंगा। यदि SRP की जगह, यदि यहाँ पर SRP की जगह मैं SOP लिख देता, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, तो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। एक्ट्स एज अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों पॉइंट्स लिख लीजिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, फील करो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो सर उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। यार वो रिड्यूस होना चाह रहा है तो वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर वो होते हैं जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर दे और खुद का रिडक्शन कर ले। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? और इस रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है? दूसरों का रिडक्शन कर दे और खुद का क्या कर ले? ऑक्सीडेशन कर ले। दूसरों का रिडक्शन कर दे, खुद का ऑक्सीडेशन कर ले। फील आया? अब सोचिए देखना, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसकी हेल्प से आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी, बाय वालिया की जवानी। ये सब वालिया का जुगाड़ आपको मेरे YouTube चैनल पे, अनिरुद्ध वालिया के इस YouTube चैनल पे मिलेगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट अनिरुद्ध वालिया, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आपको मजा आएगा। सुनना यार, मान लो कि यार गर्मी का टाइम है, हमारा घूमने का मन कर रहा है। हमने अपने पापा को बोला, यार पापा इस गर्मियों की छुट्टी घूमने चलते हैं कहीं। पापा बोले ठीक है यार, घूमने चलते हैं। लेट से आप कहीं जा रहे हैं घूमने, आपने ट्रेन की टिकट करवाई या फ्लाइट की टिकट करवाई, गर्मी की छुट्टी आपने घूमने का मन बनाया, लेट से आपने ट्रेन की टिकट करवाई, तो पापा क्या बोलेंगे? यार पापा बोलेंगे, यार एक काम करते हैं, एजेंट को बोल के मैं टिकट करवा लेता हूँ जाने की, ट्रेन की टिकट की, ठीक है? तो एजेंट ने क्या किया सर? एजेंट ने हमारी टिकट बुक की। एजेंट जो था, रेलवे एजेंट था, उसने अपने रेल में बैठने की आपकी टिकट बुक की। आप जाएंगे, ठीक है सर,
ओके, तो जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एजेंट करेगा क्या? एजेंट सर ऑक्सीडेशन करेगा। किसका? एजेंट ने किसकी टिकट बुक की, आपकी या मेरी? सर हमारी की। तो एजेंट ऑक्सीडेशन किसका करेगा, आपका या हमारा? हमारा करेगा, यानी हमारा मतलब दूसरों का करेगा। तो एजेंट खुद का क्या करेगा? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का यदि ऑक्सीडेशन कर देगा तो खुद का रिडक्शन करना चाहेगा, क्योंकि वो एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। किसका? दूसरों का। ऑक्सीडाइजेस, ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस, रिड्यूसेस देमसेल्फ, रिड्यूसेस देमसेल्फ। खुद का रिडक्शन करना चाहते हैं, दूसरों का ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। अच्छा, तो सर जो ये रिड्यूसिंग एजेंट है भाई साहब, रिड्यूस करने वाले एजेंट है, यानी रिड्यूसेस, यानी रिड्यूसेस अदर्स, यार एजेंट है तो रिडक्शन करेंगे किसका, दूसरे का, और खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजेस देमसेल्फ, ऑक्सीडाइजेस देमसेल्फ, खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे, दूसरों का रिडक्शन करेंगे। क्या अपनों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी क्लियर हुई? हाँ, है ना, सोच के बताइए। सर हो गई, सवाल करवा लो, अब तो आप हमसे कुछ भी पूछ लीजिए, हम तो वालिया के धुरंधर बन गए हैं, बन गए। एक सवाल बता दो फिर फटाफट। लेट से मैंने एक रिएक्शन लिख दी MnO42- से Mn2+, इसके लिए मैंने E0 रिडक्शन वैल्यू, E0 रिडक्शन वैल्यू आपको कुछ ऐसा दे रखा है यार, +1.51 वोल्ट। और एक और रिएक्शन लिख दी Cr2O72-, इससे मैं बना रहा हूँ Cr3+, और इसके लिए E0 ऑफ रिडक्शन मैंने लिख रखा है, E0 ऑफ रिडक्शन मैंने लिख रखा है 1.4 वोल्ट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार चेक व्हिच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चेक व्हिच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अरे बताओ। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि सर वो दूसरों का तो ऑक्सीडेशन कर देगा, खुद का क्या करेगा? सर खुद का रिडक्शन करना चाहेगा। अरे सर रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। सोच के देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन, तो दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन। सर रिडक्शन करना चाह रहा है खुद का, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा, उसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज्यादा, तो वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये +7 से +2 में जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, +6 से +3 में रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सोच के देखो, तो क्या मैं ये बोल पाऊंगा MnO4- इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सवाल कर पाए, बहुत सिंपल हो गया है, सिर्फ इतनी सी बात पे, जिसका जो पोटेंशियल ज्यादा उसकी वो टेंडेंसी ज्यादा। आई होप ये वाला कंसेप्ट सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यार बहुत प्यारे ढंग से बताने की कोशिश की है बच्चों, दिल मत तोड़ना, झूठ मत बोलना, नहीं समझ में आया तो भी आप सच बता रहे होंगे, नहीं समझ में आया तो भी आप सच बता रहे होंगे। दोबारा बोलना चाहूंगा एक बार, टेंशन मत करो, दोबारा बोल देता हूँ। यार एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है यानी खुद का क्या करना चाहेगा। सर खुद का तो रिडक्शन करना चाहेगा, और यार रिडक्शन जिसका हो रहा है यानी रिडक्शन किसका बढ़िया होगा? सर रिडक्शन तो उसका बढ़िया होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अरे किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है MnO4- से Mn2+ जाने का? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। आई होप ये वाली बात अपने को चमक गई होगी, बोलो हाँ ना। हाँ सर ये वाली बात तो हमें ठीक ठाक लेवल पर चमक गई है। आइए तो बच्चों एक नया कंसेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, रिएक्शन फिजिबिलिटी में इतनी सी बात याद रखना कि E0 of cell यदि पॉजिटिव आ जाए, यदि E0 of cell पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन फिजिबल है, यानी रिएक्शन पॉसिबल है। यदि E0 of cell नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन नॉट फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो सर हम कैसे करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसी क्यों बात कर रही हो? लेट्स से क्वेश्चन करवा लूं आपको इतने से पॉइंट पे, क्या आपको यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन करवा लूं? करवा लीजिए सर, डरते हैं क्या? आइए तो बच्चों एक छोटा सा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, 2Fe3+ + 2I- विल गिव यू 2Fe2+ + I2। सवाल मैंने पूरा स्क्रीन पे लिख दिया है, एक रिएक्शन दे रखी है कुछ ऐसे, 2Fe3+ + 2I- विल गिव यू 2Fe2+ + I2, कुछ डाटा दे रखा है, आप मुझे बता दो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। अरे सर हम कैसे बताएं, अरे चेक करो E0 of cell। अरे सर E0 of cell तो आपने लास्ट लेक्चर में बताया था, E0 of cell निकालना है तो कुछ नहीं करना, E0 of cathode - E0 of anode करना है, कैथोड एनोड पहचान लो। अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, +3 से +2 चले गए, हमारा तो हो गया रिडक्शन, -1 से 0 जा रहे हैं, हमारा तो हो गया ऑक्सीडेशन।
कैथोड किसका, कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन होगा, कैथोड पर क्या होगा बच्चों रिडक्शन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है आयरन वाले का, हाँ 0.77 माइनस एनोड, एनोड पर तो सर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, हाँ एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, हाँ माइनस प्लस 0.54 वोल्ट, ये वैल्यू कितना आया 0.23 वोल्ट आया, कितना आया पॉजिटिव, क्या रिएक्शन फिजिबल है, हाँ रिएक्शन इज फिजिबल, क्या बोला मैंने दोबारा बोलना चाहूंगा यार, हमें तो कुछ नहीं करना था, हमें तो इनोट ऑफ सेल निकालने की बात करनी थी, अरे सर इनोट ऑफ सेल निकालना तो बहुत आसान है किसी भी रिएक्शन में, ध्यान से सुनना किसी भी रिएक्शन में हमें क्या पहचानना है, हमें सिर्फ इतनी सी बात पहचाननी है कि यार कौन कैथोड कौन एनोड, हमने कैथोड एनोड पहचान लिया, कैथोड एनोड पहचानने के बाद इनोट ऑफ कैथोड माइनस इनोट ऑफ एनोड में हमें क्या डालना है, रिडक्शन पोटेंशियल डालना है, और दोनों के दोनों क्या गिवन थे बच्चों, दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल गिवन थे, और हमने वैल्यू डाला आंसर निकाला, क्या अपने को रिएक्शन फिजिबिलिटी की बात समझ में आई, क्या अपने को रिएक्शन फिजिबिलिटी की बात समझ में आई, बोलो हाँ है ना बच्चों, हर चीज आपके पास होगी, शर्त एक है कि आपके आप मेरी जुबानी बोले हुए एक एक चीज को ध्यान से सुन रहे हो, एक एक कंसेप्ट को एनालाइज कर रहे हो, ये ऐसा कंटेंट है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जितने प्यारे ढंग से मैं पढ़ा सकता हूँ उतने प्यारे ढंग से बताना चाहूंगा, और कुछ ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं ऑफलाइन में अलग बताता हूँ और यूट्यूब पे अलग बताऊंगा, शायद ऑनलाइन आकर मैं और ज्यादा चीजें ही बता रहा हूँ, क्योंकि क्लासरूम में तो ठीक है बच्चे हाँ या ना बोल देते हैं, बच्चे हाँ या ना बोल देते हैं तो मुझे फील आ जाता है हाँ समझ में आ गया होगा, बट आप स्क्रीन पे पीछे हैं मुझे नहीं पता कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा हर बार ताकि किसी बच्चे को बेकार ना लगे। तो बच्चों आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे सारे लेक्चर सुनते चले जाएंगे ना तो आपको आनंद ही आनंद आता चला जाएगा। क्या आप मुझे एक रिक्वेस्ट जानना चाहूंगा, एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा बच्चों, आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए कि जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता हूं उनकी लेंथ को मैं और बढ़ाऊं, यानी 20-25 आधे घंटे की एक वीडियो बनाऊं या छोटी छोटी वीडियोस ही रहने दूं, क्यों, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि आप बड़ी वीडियोस भी देख पाएंगे मेरी हाँ या ना, प्लीज कमेंट करके इस बात को बता दीजिए, सर वीडियो की लेंथ आप आधे घंटे पढ़ा दीजिए, हमें एक एक घंटे की वीडियो बनाइए या 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो रखिए, बच्चों आप ये सिर्फ आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको और बेटर चीजें और बेहतर अंदाज में चीजों को दे पाऊं। कि अपनों को यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई है, कि अपनों को यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई है, बोलो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे मेरे लिए, एक छोटा सा सवाल आपको आज का होमवर्क देना चाहूंगा, इस क्लास का होमवर्क देना चाहूंगा, तो होमवर्क वुड बी दैट इज होमवर्क जो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे आज की क्लास के लिए होमवर्क आपके लिए रहेगा, कि मान लो कोई रिएक्शन लिख रहा हूँ, कॉपर सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस will give you copper 2 plus aqueous plus H2 gas, और मैंने कुछ डाटा दे दिया E not of copper 2 plus say copper 0.34 volt and E not of H plus say H2 0 volt, check question है, check reaction is feasible or not, check करके बता देना, comment करके बता देना, अगली वीडियो में इसको discuss कर लूँगा। मेक श्योर दैट आप ईमानदारी से सारा काम कर रहे हो प्यारे बच्चों, आपको आनंद आएगा। ठीक है बच्चों, आपके इस क्वेश्चन का वेट करूंगा, अगली वीडियो में बात करूंगा डेल्टा जी कंसेप्ट के बारे में, नॉन्स्ट इक्वेशन लेक्चर नंबर 6 में आ रही है, लेक्चर नंबर 5 में मैं कंसेप्ट और डेल्टा जी के बारे में बात करने वाला हूं। सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, और अनिरुद्ध वालिया का चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आने वाले समय में आपको वो बेहतरीन चीजें मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलने वाली, और हर चीज मैं आपके घर तक आपके दीवार तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ हमेशा है, बहुत सालों से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, इस बार जेई के लिए आप नीट के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ बच्चों, बस ऐसे ही पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर बताना। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।